हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय सिंह फ्रॉम माइस्टॉक मनी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसका विन रेशियो मोर देन 90% है। जी हाँ दोस्तों, मोर देन 90%। ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था और एक ऐसा चीज आपको आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, उसे यूज़ करके आपका एक्यूरेसी मोर देन 90% होने वाला है। सो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा और आई होप आप लोग वो चीज़ यूज़ करने के बाद में काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं, मैंने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था, वही स्ट्रैटेजी पे हम लोग पहले बात करते हैं किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकती हो। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आप डेटा एनालिसिस करके कैसे आप लोग एक राइट डायरेक्शन में बैठ सकती हो, किस राइट डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है वो राइट डायरेक्शन आप अपना चूज़ कर सकती हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वीवैप को, ठीक है, और सेकंड हमारा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो लास्ट टाइम शायद मैंने जब बात किया था तो मैंने 9 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको बोला था, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किया है इसके अंदर और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारा है वो है हमारा 21 का, ठीक है। तो काफ़ी सारे मैंने बैक टेस्ट किए, उसके बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि 21 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो आज के ट्रेड की हम लोग बात करते हैं, आज बैंक निफ्टी में किस टाइप का ट्रेड था। तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यूज़ करना है। और इसमें क्या करना है आपको, जब भी प्राइस आपकी वीवैप के नीचे ट्रेड करेगी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में भी बताया था, जब भी प्राइस वीवैप के नीचे ट्रेड करेगी प्लस आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो भी वीवैप को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, जब भी प्राइस आपकी वीवैप के नीचे ट्रेड कर रही है प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर देखिए नीचे आ गया है आपका, तब आपको ट्रेड लेना है सेल साइड में, ठीक है। और सिमिलर टाइप से जब भी प्राइस आपकी वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रही है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, प्राइस आपकी वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रही है प्लस आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जो है वो वीवैप के ऊपर है प्लस प्राइस भी आपकी वीवैप के ऊपर है, तो अभी यहां पर आप क्या प्लान करोगे, बाय साइड में आप अपना ट्रेड प्लान करोगे। तो एक सिंपल सा चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी बहुत सी बार क्या होता है, बहुत से लोग अगर देखोगे यहां पर कुछ फंबल्स दिखेंगे आपको, लाइक अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहां पर किसी ने शॉर्ट किया है प्लस यहां पर आपका वीवैप के नीचे भी प्राइस है और आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी जो है वो वीवैप के नीचे है, अगर यहां पर किसी ने शॉर्ट किया है अराउंड 29,000, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ अगर आपको देखोगे तो प्राइस दिखेगा, तो शॉर्ट आपको मिला था अराउंड 29,460 के आसपास और वहाँ से इसने लो मारा है अराउंड 29,370 के आसपास। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक छोटा मूव मिला, एक बड़ा मूव आपने यहाँ पर कैच नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन आपको बड़े मूव कैच करने हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव रहने वाली है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ है, वो किस तरीके से आप लोग काम करोगे उस बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग जो हैं वो डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत सिंपल तरीके से लेके आया हूँ मैं आज, तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का टूल का नाम है ऑटो ट्रेंडर, आप लोगों ने सुना होगा, जो SMC के क्लाइंट हैं, SMC ग्लोबल जो यूज़ कर रहे हैं उनके जो क्लाइंट हैं उन्होंने देखा होगा। तो कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जिन लोगों के लिए नया है उन लोगों के लिए बता दें किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग ओनली बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये इस तरीके से जब आप लॉगिन करोगे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर करूंगा, वहां पे आप जाके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको इन लोगों के साथ में। आपको SMC ग्लोबल में अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी का जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है उसका नाम है स्टॉक कार्ट, आप लोग बहुत से लोग जानते हैं, टीवी पे एड भी आता है अगर आप लोग जानते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा इसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि ये टूल किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है, आपको जो डाटा मिलना स्टार्ट होगा वो 10 बजे के बाद से आपको डाटा मिलना स्टार्ट होगा और 10 बजे के बाद भी जैसा भी डाटा बन रहा है वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बजे के बाद आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे, ठीक है। उससे पहले जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया है तो उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका एक्यूरेसी मोर देन 90% हो जाए तो आप ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे 10 बजे के बाद में, ठीक है। तो 10 बजे के बाद आपको डाटा मिलना स्टार्ट होगा और आज का डेटा अगर हम लोग आज के डेटा की अगर हम लोग बात करें 10 बजे के बाद में, अगर आपको यहाँ पर देखो नेगेटिव आपको दिखा रहा है,
ठीक है। अब इस डेटा में है क्या चीज, आपको दो चीजें देखनी है, यहां पर आपको कॉल का डेटा दिख रहा है और यहां पर आपको पुट का डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो कॉल्स में क्या हो रहा है, कॉल्स में आपका डेटा बन रहा है मोर देन 73 लाख 2575 के आसपास में, यहां पर अगर आप देखो तो इतनी क्वांटिटी किसी ने यहां पर कॉल्स की चल रही है, मतलब कॉल यहां पर जो ये जो कॉल्स हैं ये कॉल्स बाय है, यहां पर कॉल इतनी कॉल टोटल बाय हुई है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और सेम टाइम पर पुट्स कितना बाय हुआ है, 39,30,000 के आसपास में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो कॉल्स का जो प्राइस है, मतलब यहां पर जो कॉल है वो ज्यादा बाय हुई है, ठीक है, और पुट जो है वो आपकी कम बाय हुई है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है यहां पे, कॉल्स जो है आपकी वो ज्यादा बाय हुई है और पुट्स जो है आपकी कम बाय हुई है। तो जब भी कॉल जब ज्यादा बाय होगी, ठीक है, कंपैरेटिवली पुट्स के, इट मींस क्या हो रहा है, रिटेलर्स जो है वो कॉल्स बाय कर रहे हैं, ठीक है। और वैसी कंडीशन में एफआईआईज क्या करते हैं, आपके अगेंस्ट में वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि रिटेलर्स कॉल्स ज्यादा बाय कर रहे हैं या पुट्स ज्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है कि रिटेलर्स जो है वो कॉल ज्यादा बाय कर रहे हैं या पुट ज्यादा बाय कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि रिटेलर्स जो है वो कॉल्स बाय कर रहे हैं तो आप कौन से साइड में रहेंगे, पुट आप बाय करेंगे, आप सेल साइड में रहेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ आपका, मैं फिर से समझाता हूं, जब भी रिटेलर्स कॉल्स ज्यादा बाय कर रहे हैं, ठीक है, और पुट का डेटा कम है, वैसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप पुट बाय करेंगे। और जब आपको दिख रहा है कि रिटेलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग पुट ज्यादा बाय कर रहे हैं और कॉल्स का डेटा है वो कम है, ठीक है, कॉल्स की क्वांटिटी कम है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे, आप अगेंस्ट में जाओगे उनके, तो रिटेलर्स के अगेंस्ट में ही आपको जाना है। एफआईआईज क्या चीज कर रहे हैं, आपको वो चीज करना है। तो यहां पर आपको वो चीज समझ में आना चाहिए कि हमें जब भी ट्रेड लेना है तो हमने एफआईआईज जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ में ट्रेड लेना है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ आपका। अभी आज का हम लोग डेटा देख लेते हैं, मॉर्निंग को डेटा आपको जो दिख रहा था अराउंड 33 लाख, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है ये, ठीक है, 73 लाख आपका कॉल का डेटा है और यहां पर अराउंड 40 लाख के आसपास जो है वो आपका पुट का डेटा है। तो दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है वो अराउंड है 33 लाख के आसपास में, ठीक है। इट मीन्स यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि मॉर्निंग को आपको सेल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका अगर आप देखोगे मॉर्निंग को, तो मॉर्निंग में अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर हमारा यहां पर मार्केट ओपन हुआ था आज, और उस टाइम पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था इस जगह पे। उसके बाद में अगर आप देखोगे कंटिन्यूस मार्केट कुछ देर तक सेलिंग साइड नीचे की तरफ रहा, उसके बाद में फिर से मार्केट एकदम से रिकवर किया। अभी रिकवर किया तो उस टाइम पर आपका डेटा में किस तरीके से चेंजेस आया हम लोग देख लेते हैं। 33 लाख का आसपास डिफरेंस था, अभी और देखो डिफरेंस आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 24 लाख, ठीक है, अराउंड 54,000 के आसपास आ गया अभी आपका डेटा, सॉरी 5,48,000 के आसपास आया, फिर अराउंड 44 लाख के आसपास आपका डेटा आया। और देन यहां पर अगर आप देखोगे तो 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 बजे के आसपास अगर आप देखोगे तो डेटा आपका पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिमिलर टाइप का स्ट्रैटेजी जो है हमारे निफ्टी के निशानेबाज जो है नितिन मुरारकर जी, वही वो यही स्ट्रैटेजी यूज करके आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। अगर सोचिए अगर आप उन वो क्या ट्रेड देने वाले हैं, अगर आपको वो चीज पहले ही पता चल जाए तो आपका विनिंग रेशियो कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितने अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हो। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं, ठीक है। जो टीवी पे बैठ के आपको गाइड कर रहे हैं, अगर उन्हीं का चीज आपको पता चल जाए कि वो किस तरीके से ट्रेड लेने वाले हैं, अगर आपको वो चीज समझ में आ रहा है तो आप लोग आप भी कितना अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो 11 बजे के आसपास जो आपका आपका डेटा है वो पूरा डेटा आपको बोल रहा है कि अभी आपको बाय साइड में ही रहना है। अभी 11 बजे के आसपास हम लोग देखते हैं कि हमारे निफ्टी के चार्ट पे क्या हुआ, ठीक है। तो अगर आप यहां देखोगे, ये मेरा 11 बजे के आसपास का डेटा है, यहां पर अगर आप देखो 11 बजे के आसपास देखो आप निफ्टी का प्राइस चल रहा था अराउंड 12,920 के आसपास में, वहां से इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया है और ये इसने मूव किया है अराउंड 12,970 के आसपास में। तो 12,920 से 70 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट आपको इजीली मिला है। अगर आपने एट द मनी कॉल पुट पे काम किया होगा, अगर आपने देखा होगा, मैंने अपने मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, मैंने अपने क्लाइंट्स को शेयर किया था, मैंने अपने जो भी लोग मेरे साथ में ट्रेड कर रहे हैं उनको मैंने सभी को शेयर किया था कि हम लोगों को आज कॉल साइड में ट्रेड करना है। तो 11 बजे हम लोगों ने कॉल बाय किया था अराउंड 44 रुपीज़ के आसपास में, अराउंड 12,900 का कॉल हम लोगों ने 44 रुपीज़ के आसपास बाय किया था, उसे सेल किया हम लोगों ने अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास। तो 60-70 तक का हाई मारा था उसने, उसके बाद में तो हम लोगों ने वहां पर उसको अराउंड 44 पे बाय करके अराउंड 60 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने सेल कर दिया था। सो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिला था एक, ठीक है। तो अभी फिर से हम लोग हमारे इसी
टूल पे आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली जो आपका डेटा जो है वो कंटिन्यूसली आपका पॉजिटिव साइड में चला गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कॉल्स और पुट, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये थोड़ी थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है, तो आप लोग देख रहे हो कि बार बार ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो डेटा जो है आपको हर 15 मिनट में आपको डेटा आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी देखो कंटिन्यूसली 11 बजे के बाद में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 11 बजे के बाद में अगर हम लोग देखें कंटिन्यूसली 11 बजे तक हमारा डेटा जो है कंटिन्यूसली जो है हमारा पॉजिटिव साइड में हो गया। यहाँ पर अगर देखोगे फिर से डेटा जो है वो नेगेटिव साइड में हुआ, देन अगेन फिर से पॉजिटिव हुआ है। तो आपका डेटा क्या हो रहा है, कंटिन्यू आपका पॉजिटिव साइड पर ज्यादा जा रहा था मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका डाटा पॉजिटिव हो चुका है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर 1:30 आपका डाटा जो था वो पॉजिटिव था। हम लोग एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1:30 यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर आपका सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो लेवल था यहाँ पर आपका सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था। और सिमिलर टाइप पे हमारा जो टूल है, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताया है, वहाँ पर आप देखोगे तो वीवेब के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्रॉसओवर भी आपका 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यहाँ पर हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डेटा किस तरीके से फॉर्म हो रहा था, तो डेटा फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेटा के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अराउंड जो ये जो डिफरेंस अमाउंट था वो अराउंड 40 लाख के आसपास था, 40 लाख से वो एकदम से यहाँ पर चेंज हुआ है अराउंड 1:30 के बाद, एकदम से चेंज होकर अराउंड 13 लाख के आसपास ही रह गया था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जब डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ था, यहाँ पर देखिए देखोगे आप पुल बैक कहीं पर आए होंगे मार्केट के अंदर, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कहीं पर पुल बैक आया था क्या। तो ये टाइम था अराउंड 1:50 के आसपास और यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आया, और ये जो डेटा है यहीं पर कहीं पर चेंज हुआ होगा, हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 40 लाख 1:30 यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक बार जो ये डेटा आपको दिख रहा है इस जगह पे दो बजे के आसपास यहाँ पे एकदम से डेटा फिर से एकदम से चेंज हुआ था। तो 2 बजे के आसपास का ही आई थिंक ये पुल बैक रहना चाहिए। तो ये अगर आप देखो 2 बजे के आसपास का ये पुल बैक है। तो यहाँ पर एक बार निफ्टी छोटा सा मूव किया करके ऊपर गया। उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपका डेटा फिर से नेगेटिव हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि आपके जो कॉल बायर्स जो है, रिटेलर्स जो है, वो कॉल्स हैवी क्वांटिटी में कॉल्स बाय कर रहे थे, ठीक है। और रिटेल्स के अगेंस्ट में ही आप लोग सोचते हो ना कि आप जब भी आप बाय करते हो आपके साथ में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर आप जो भी पोजीशन ले रहे हो, अगर आप रिटेलर्स के साथ में पोजीशन ले रहे हो, कॉल ज़्यादा बाय कर रहे हो, ठीक है, और FIs को पता है कि रिटेलर्स की पोजीशन जो है वो कॉल साइड में ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को गिराएंगे, ठीक है। लेकिन टूल इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं और बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि रिटेलर्स जो है वो कॉल साइड में ज़्यादा अपनी पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पुट साइड में जाना है, फॉलोड बाय हमारा ये जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वीवेब के नीचे अगर प्राइस है प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आपका वीवेब के नीचे है, आपको सेल साइड में जाना है, ठीक है। अभी थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग डेटा को। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2:30 पे आपका डेटा नेगेटिव हुआ, और 2:45 पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी के अंदर रिटेलर्स जो है वो कॉल्स बाय करके बैठे हुए थे, ठीक है। इट मीन्स आपको अभी आपको समझ में आ गया था कि यहां पर तो आपको शॉर्ट करना ही करना है, आपको बाय करना ही नहीं है, ठीक है। अभी आपको पुट्स ही बाय करने हैं, ठीक है। अगर आप यहां देखोगे तो 2:15 पे एक बार टाइम देख लेते हैं हम लोग, 2:15 पे, 2:30 पे और 2:45 पे यहां अगर आप देखो तो निफ्टी के अंदर बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर आया था। तो यहां अगर आप देखोगे तो 2:15 यहाँ पर देखो आप 2:15 पे एक बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस बिल्कुल नीचे आके आपको 2:30 तक तो आपका जो मार्केट ने है एक बॉटम बना लिया अपना। देन उसके बाद में फिर से एक पुल बैक आया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पुल बैक मिला। अब इस पुल बैक पर आपको कैसे ट्रेड करना है, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर किया है हमारा RSI का, 1 मिनट पे हम लोग RSI को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जिसने वो वीडियो देखा है वो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, और एक काफ़ी अच्छा पुल बैक मिला है और यहाँ से प्राइस एकदम से ऊपर आई है। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे आज नितिन जी ने एक ट्रेड दिया था TV पे, अगर कोई जी बिजनेस को देख रहा है तो जी बिजनेस में नितिन जी ने एक ट्रेड दिया था, उसमें उन्होंने अराउंड 12,800 का पुट ऑप्शन बाय करवाया था अराउंड 2-3 रुपये पे, उन्होंने शायद 3-4 रुपये चल रहा था, और जब मार्केट पे आप लोगों ने देखा होगा वो अराउंड 12 रुपये के आसपास उसका प्राइस था, और उस पुट ऑप्शन ने 30 रुपीज़ का हाई बनाया है, ठीक है। वही सेम पुट हम लोगों ने 2 रुपीज़ पे बाय किया, ठीक है।
कैसे बाय किया है? सिंपल सा ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने यूज किया, स्ट्रेटेजी को यूज करके ₹2 पे हम लोगों ने वो पुट ऑप्शन बाय किया, उसे हम लोगों ने अराउंड 26 रुपीज के आसपास में सेल किया है, उसने हाई बनाया था अराउंड 30 रुपीज के आसपास का, ठीक है। अगर आप लोगों के पास में अगर ये स्ट्रेटेजी है जहां पर आपको पता चल रहा है कि डेटा किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, रिटेलर्स किस तरीके से अपनी पोजिशन बना रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% रहने वाली है। आपको फॉलो क्या करना है, फिर से मैं एक बार आपको बताता हूं। निफ्टी का डेटा आपको फॉलो करना है। निफ्टी के डेटा के अंदर ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो टूल है, इसका विन रेशियो है अराउंड 70%। लेकिन साथ में अगर मेरा जो ये स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, अगर आप स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो आपका विन रेशियो मोर देन 90% रहने वाला है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको क्विकली रिपीट करता हूँ किस तरीके से आप ये स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। आपको डेटा आपको जो मिलेगा वो अराउंड 10 बजे के आसपास आपको इसे लॉगिन करना है। 10 बजे के आसपास आपको पता चलेगा कि डेटा आपका किस तरीके से फॉर्म कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लीजिए आप किस तरीके से कंटिन्यू डेटा बनता है। मैं पर्सनली ट्रेड जो लेता हूँ स्ट्रेटजी के हिसाब से, सेकंड हाफ के अंदर मैं काफ़ी अच्छे इसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड मिलते हैं मुझे, और फर्स्ट हाफ के अंदर मैं डेटा को देखता हूँ किस तरीके से डेटा फॉर्म कर रहा है, प्लस फॉलोड बाय मेरा स्ट्रेटजी जो है, मेरे स्ट्रेटजी के अंदर किस तरीके से मुझे ट्रेड मिल रहे हैं, ठीक है, मैं वो चीज़ देखता हूँ। इसके अलावा मेरे पास में एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ में वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ मैं। वो स्ट्रेटजी के साथ में आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रेटजी का विन रेशियो मोर देन 90% है, मोर देन 90% से भी ज़्यादा स्ट्रेटजी का विन रेशियो है। लेकिन अगर आपके साथ में ये जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर किया ये भी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, आप लोगों को बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो आपको अजीब अजीब से स्ट्रेटजीज दे रहे हैं, आप लोग काम करो कितने दिन आप प्रॉफिट कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप लोग प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटजी को सही से समझा, ठीक है, सही से अगर आप लोगों ने समझा, आप लोगों का एक्यूरेसी मोर देन 90% रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये टूल आपको मिलेगा कैसे, ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैंने आज क्या ट्रेड लिए हैं स्ट्रेटजी को यूज़ करके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड्स लिए, तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एटलीस्ट हमको ये भी तो पता चले कि ये स्ट्रेटजी काम कर रहा है तो मैंने कुछ कमाया भी या नहीं कमाया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने ये पे कुछ ट्रेड्स लिए थे अपने, तो ये सारे के सारे ट्रेड्स मैंने इसी स्ट्रेटजी बेस्ड पे, मेरा खुद का जो स्ट्रेटजी है, प्लस ये जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ जो ऑटो ट्रेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग डेटा देखेंगे कि डेटा किस तरीके से फॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरीके से मैं डेटा को देख रहा हूँ, किस तरीके से डेटा को रीड कर रहा हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर यही चीज़ अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे 50,000 के अंदर मैं आपको एक और अगर बेचना चाहूँ और ये चीज़ आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ है, सारी की सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी मुझे 50,000 इस कोर्स के लिए देने के लिए रेडी होगा। मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री में लेके आया हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रेटजी को यूज़ करना स्टार्ट करिए, आपको आपका भी पैसा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ये कुछ स्टार्टिंग में मैंने ये कुछ कॉल यहाँ पर लिया था, कॉल के अंदर मेरा पैसा बना। ये कुछ दो छोटे मोटे मेरे यहाँ पर थोड़े से लॉस हुए हैं यहाँ पे मैंने, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा एक पुट ऑप्शन था, तो यहाँ पर तो मैंने जल्दी इस पुट ऑप्शन को निकाल दिया, नहीं तो मेरा इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला था। अगर यहाँ पर आप लास्ट ट्रेड प्राइस देखोगे इसका, तो इसका जो लास्ट ट्रेड प्राइस है अराउंड 494 के आसपास है, और मैंने इसको बाय किया था अराउंड 48 के आसपास, और मैंने छोटे मोटे स्टॉप लॉस के साथ में मैं निकल गया था यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेटा दिख रहा था कि नेगेटिव हो रहा मेरा, मैं छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पे ले रहा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा एक पुट बड़ा चेकपुट बनने वाला था, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया था, यहाँ पर मेरे को अराउंड 1000 का लॉस हुआ है, देन अराउंड 6000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 7000 के आसपास, फिर 2000 के छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिए हैं, अराउंड 1000 का एक और यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हुआ है, फिर 3000 का। तो ऐसा करके मेरा जो ये टोटल नेट अमाउंट जो है, टोटल जो प्रॉफिट मुझे हुआ है अराउंड 40,000 के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। आपसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट आपको मेरा जो मोबाइल ऐप है वहाँ वो भी आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे। सो अराउंड 40,000 के आसपास हम लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया, यही सेम स्ट्रेटजी यूज़ करके, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें, सिंपल सा स्ट्रेटजी है। फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूँ, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इस स्ट्रेटजी को। अगर समझ पा रहे हैं और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक बार फिर से आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, वीवेप के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमारा है 21 का, उसके नीचे आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है, क्रॉस ओवर पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। फॉलोड बाय हमारा डेटा, किस तरीके से डेटा फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अराउंड 2 बजे के बाद में फिर से डेटा जो है आपका नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ, डेटा नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था यहीं से। अगर हम लोग बात करें 3 बज के, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखो आप,
3:15 पे आपका डेटा अराउंड 44 लाख के आसपास का डिफरेंस था यहाँ पे कॉल और पुट्स के बीच में। उसके बाद में 40 थोड़ा डेटा यहाँ पे नेगेटिव हुआ, 4 लाख के आसपास का डेटा थोड़ा सा डिफरेंस आया यहाँ पे। देन उसके बाद में अगर आप बात करें अराउंड 13 लाख हो गया यहाँ पर डेटा, फिर से एक पुल बैक आया था यहाँ पे जैसा कि आपको चार्ट पे भी मैंने दिखाया, फिर से डेटा आपका पूरा नेगेटिव हुआ। देन उसके बाद में कंटिन्यू आपका डेटा नेगेटिव ही बनता रहा और लास्ट के जो अगर हम लोग बात करें अराउंड 2:30 से लेके 3:30 तक सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसी टाइम पर आया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई है, आप लोग इस स्ट्रैटेजी को समझ के इस टूल को यूज़ करके आपका एक्यूरेसी मोर देन 90% रहने वाला है। सो मैं अपने बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम पे शेयर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत क्विक मूव मिलते हैं मुझे। मैं मोस्टली ट्रेड मेरे जो होते हैं वो बैंक निफ्टी पे करता हूँ। सो अगर आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं, आई होप आप लोगों ने पहले वाला वीडियो भी मेरा देखा होगा और वो स्ट्रैटेजी अगर आपने यूज़ करके ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को आप इस तरीके से यूज़ करके काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी, ये टूल आप लोगों को मिलेगा कैसे। अभी तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जो आपको मैंने बताया है वो ओनली ये बताया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा सिमिलर टाइप से आपका जो डेटा फॉर्मेशन जो है वो आपको बैंक निफ्टी का भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बैंक निफ्टी के डेटा को फॉलो करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन में होता है। तो आपको जो फॉलो करना है वो निफ्टी के डेटा को फॉलो करना है और ट्रेड जो लेना है वो ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि निफ्टी अगर जिस तरीके से परफॉर्म कर रही होगी उसी तरीके से आपका बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी का भी डेटा आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो ओनली फॉलो करना है निफ्टी के डेटा को। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी के डेटा को, बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मॉर्निंग से ही नेगेटिव साइड में था और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज निफ्टी पे भी सेलिंग प्रेशर बना रहा था। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, लेकिन फिर से मैं रिपीट करूँ, फॉलो करना है हम लोगों को निफ्टी के डेटा को, उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि बैंक निफ्टी के डेटा में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को हमारा ट्रेड प्लान करना है। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे मिलेगा सॉफ्टवेयर, आप लोग कैसे ले सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, एसएमसी ग्लोबल का ही डिस्काउंट ब्रोकिंग लोगों ने स्टार्ट किया है, उसका नाम है स्टॉक कार्ट। ठीक है, स्टॉक कार्ट पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। चार्जेस इनके क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों का जीरोधा में अकाउंट है या आपका अपस्टॉक में अकाउंट है तो वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगता है, यहाँ पर आपको लगेगा ओनली 15 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। प्लस अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रेड लूज किया है तो लूजिंग साइड पर ये लोग आप लोगों से ब्रोकरेज नहीं चार्ज करेंगे, आपके जो विनिंग ट्रेड्स हैं वहीं पर ये आपको ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। तो 15 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आप 10 लॉट बाय करो 20 लॉट बाय करो आपको 15 रुपीज़ लगने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर, ऑटो ट्रेडर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर है वो उसका इस तरीके से आपको मिलेगा, 15 डेज के लिए अगर आप ये सॉफ्टवेयर ले जाओ तो उसका चार्जेस है 1000 रुपीज़, मंथली चार्जेस हैं 2500 रुपीज़ और क्वार्टरली चार्जेस जो है इनका वो अराउंड 7500 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे के सारे प्लान्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको जस्ट अपना अकाउंट ओपन करना है, फुल नेम डालना है, क्लाइंट आईडी डालना है और प्लान सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और आपको ये प्लान मिल जाएगा, आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो मिल जाएगा। 2000-5000 रुपीज़ कुछ भी नहीं है इस सॉफ्टवेयर के लिए क्योंकि इसका एक्यूरेसी लेवल मोर देन 90% है। ठीक है, डेटा का इस टूल का एक्यूरेसी लेवल जो है वो मोर देन 70% के आसपास है, लेकिन साथ में अगर आप हमारा स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है अगर उसको फॉलो कर रहे हो, दोनों का कंबाइंड रेशियो मोर देन 90% है। आप लोगों के साथ में मैंने अपने कुछ ट्रेड्स शेयर भी किए हैं आज के, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आज का मार्केट, आप लोगों को पता है किस तरीके का था, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था आज का। उसके बाद भी मेरे सिर्फ 2 ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पर मैंने पैसा लूज किया है, ये ट्रेड ऐसा था जहाँ पर मैंने गलती से बाय स्टॉक मैंने जल्दी सेल कर दिया, अदरवाइज इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मुझे मिलता, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिर भी हम लोगों ने अराउंड 40,000 के आसपास प्रॉफिट अर्न किया है और यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं किया, मेरे मैक्सिमम ट्रेड जो थे वे अराउंड 250 क्वांटिटी के आसपास मैंने अपने ट्रेड्स लिए थे, 250 के आसपास मैंने क्वांटिटी बाय किया था और वहाँ से मैं ट्रेड कर रहा था। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे जितने भी ट्रेड लिए हैं मैंने कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लिया, छोटी छोटी क्वांटिटी में ही ट्रेड लेके मैंने सारे के सारे प्रॉफिट अर्न किया है। सो आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, लोग लॉस कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर उन लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आने वाले टाइम में हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे जो डेटा फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहे हैं मैं वहाँ पर कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा।
ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।